हाँ, जो भी दूसरा वाला पॉइंट है आप बताइए कैसा लग रहा है, कमेंट में ना आप सब बता दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए कैसा लग रहा है, कहे ना कि चेंज करने में पैसा नहीं ना लग रहा, उस ससुरा जो जो दिखा रहे सब हम ट्राई कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आप बताइए। अच्छा लग रहा है ना, हमको भी ठीक ही लग रहा है, सब ठीक लग रहा है, लेकिन ले नहीं सकते सबका सब, समझे ना, पैसा महंगा है बहुत ज़्यादा वैसे। तो अब इसको खोल के फिर दूसरा पहन के वीडियो में बने रहिएगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल विशाल ब्लॉग। मैं फिर से आ गया आप लोग के सामने एक नया वाला ब्लॉग लेके। एक्चुअली आप देख सकते हैं कि हम पूरा मतलब झाड़ झूड़ के, आप देख सकते हैं पूरा जूता उत्ता पहन के एकदम रेडी है और एकदम रोड में खड़े हुए। काहे खातिर जानते हैं, एक्चुअली ना ये सीक्रेट बात है, हमने आपको एक बात नहीं बताया था, आज वो बात हम आप लोगों के सामने कर रहे हैं। एक्चुअली ना बात ऐसा है कि हमारा इंगेजमेंट होने वाला है इस ससुरा, सब होके हुनर मेहरारू मिली सुंदर हमको, तो हमारा इंगेजमेंट होने वाला है, तो हम पूरा झाड़ झूड़ के रेडी हो गए और अभी हम जाने वाले हैं शॉपिंग करने के लिए। का चीज़ का शॉपिंग जानते हैं, एक्चुअली हमारा एगो भाई है बहुत खूबसूरत है, वो गया ट्यूशन पढ़ने के लिए। एक्चुअली उसको हम आप लोग से मिलाए नहीं ना, आज आपको मिलाएंगे। एक्चुअली क्या है ना, वो कहता है कि आपकी साली बहुत ही खूबसूरत है भैया, हम उसी को लाइन मारेंगे। तो हमको उसको लाइन मारेगा तो उसको झाड़ झूड़ के इंगेजमेंट में जाना ना पड़ेगा, तो इसीलिए वो कहता है कि हमको भी एगो ड्रेस कीन दो एकदम बढ़िया वाला। तो ठीक है कीन देंगे भाई, तुम ही लाइन मारो हमारी साली, हम उसको नहीं मारेंगे, उसको तुम ही रखो बोल के हम उसको दे देंगे, कपड़ा उपड़ा खरीद देंगे। तो अभी जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए हम मार्केट में, और हमारे साथ जा रही है हमारी दीदी है दूगो, आप लोग को मिलाते हैं। एगो तो ये है, हेलो को हेलो बोल दीजिए, लाइक कमेंट शेयर, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर सब कर दीजिए भाई को। उसके बाद एक एक और देखिए, वो झाड़ में चढ़ गई है एकदम डर का मारे, आप वीडियो में दिखा देंगे उसकी, हाय कर दो यहाँ में। ये भी जाएगी हम लोग के साथ शॉपिंग करने के लिए, और आपको दिखा देते हैं कि हमारी चाची यहाँ में खड़ी है, हमारी हमारी प्यारी सी चाची भी है यहाँ में, और एक बहना यहाँ में छुपी हुई है, उसको डर लगता है। तो गाइस अभी आप लोग को एक बार मिलेंगे वहाँ में, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले गाड़ी को निकालना पड़ेगा ना, झाड़ झूड़ के जाना है तो गाड़ी में जाना पड़ेगा, बाइक में नहीं जाएंगे। ओस ये गाड़ी तो बाहर में रह गया, इसको अंदर ढुकाना पड़ेगा पहले, चलिए इसको अंदर ढुका देते हैं। गाइस अभी बैठ जाते हैं गाड़ी के भीतर, उसके बाद चलते हैं तिनसुकिया में शॉपिंग करने के लिए। तब तक के लिए आप हमारा वीडियो में ना क्या है बने रही, अभी गाड़ियाँ निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है वीडियो देखते रहिए एकदम ध्यान से देखिए, काहे कि वीडियो है ना जबरदस्त होने वाला है, ठीक है। आ जाओ बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बैठो, आगे बैठ जाओ आगे में। एक्चुअली जानती हो यहाँ ना हमारी मेहरारू का जगह पर हम अभी थोड़ी देर के लिए तुमको बैठा लिए हैं, हमेशा बैठ हमेशा बैठना बोल के मत सोचना, ठीक है ना, ठीक है। गाइस अभी चलते हैं, आप लोग से भेंट करेंगे तिनसुकिया में, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा। इतना ना रास्ता खराब है ना यहाँ में, क्या कहे हालत खराब हो जाता है यहाँ ससुर गाड़ी चलाते चला। वहाँ देखिए गाइस, वहाँ देखिए ना, वहाँ बाप रे, वहाँ आपको दिखाते हैं हमारा तिनसुकिया वाला रोड का क्या हालत हो गया है। ससुर सरकार लोग भी क्या करते हैं वे जानते हैं, खाली पैसा खा खा कर बैठे हुए हैं, रोड नहीं बनाएंगे, खाली कहाँ से मारना है वो खाली सोचते हैं। देखिए यहाँ कितना जाम लग गया, यहाँ देखिए कितना जाम लग गया है, वहाँ भी देखो जाम की तरफ। ये देखिए गाय यहाँ कितना ना गढ़ा है ससुरा, यहाँ कितना गढ़ा है देखिए, क्या करे कितना ना हम बता दे, कितना धीरे धीरे जाना पड़ रहा है ससुरा, इतना ना गड्ढा है यहाँ में, कोई आएगा ना ससुरा एक बार गिरेगा तो ससुरा नौके में पहुंच जाएगा, काहे कि कलयुग है ना, यहाँ तो स्वर्ग का दर्शन कोनो को नहीं होगा, सब ससुर पापिये हैं, इसलिए सब नौरगे में जाएंगे, समझे। हम लोग शॉपिंग करने तो जा रहे हैं, पर ससुरा कौन सा दुकान में जाएंगे, कहाँ जाना है शॉपिंग करने हम लोग को, बंदना कहाँ पर है, इंडिया मार्केट के पास ससुर, वही जो प्रकाश बाजार के पास में है वो तो ससुर महंगा होगा, बड़ा महंगा है ना वो। अरे बाप रे, ये लोग कम दाम वाला में नहीं जाएगी, खाली महंगा महंगा, जानती नहीं है पैसा कहाँ सोचती है, गाछ का झाड़ में फोड़ा हुआ है पैसा, बस तोड़ के ले लेना है वहाँ से, बंदना में जानते ससुर बहुत महंगा है वहाँ में, बाप रे
चलिए अब चल के देखते हैं वो कैसा क्या होगा क्या नहीं, वो देखेंगे कितना सस्ता उस्ता माल लेंगे, दामी माल तो नहीं लेंगे भाई, हमसे तो नहीं होगा, पहले बता देते हैं सस्ता माल ले लेंगे हम, दामी माल नहीं लेंगे, तुमको भी बता देते हैं, ठीक है ना? हाँ जो लाल टी शर्ट में है ना वो हमारा भाई अभी आ रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है, आ गया उधर से आओ ससुराल, गाड़ी में जा रहा है यहीं से घुस रहा है, वहां से आना ना चाहिए, आ गया ट्यूशन पढ़ के, ट्यूशन पढ़ा कि नहीं, लड़की उड़की तो नहीं ना देखा है? ना ना लड़की देखते, हाँ लड़की मत देखना, हम देखेंगे बस, तुम हमारी साली को देखना, ठीक है ना? बाहर वाली को मत देखना, बस घर वाली को देखना, ठीक है? तो गाइज अभी चलते हैं, इसको ले लिए ट्यूशन पढ़ के आ गया, उसके बाद अभी चलते हैं शॉपिंग करने के लिए मॉल में, ससुरा दुकान में, का नाम तो दुकान में भुला ही गया, बंदना बाप रे, लड़की का नाम का दुकान है वो तो, लड़की हो गई है क्या? तब तो चलते हैं वहीं जाकर देखेंगे, आपको वहीं दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा, कहा कि हम जो देखेंगे वह तो आप भी देखेंगे ना, ठीक है वीडियो देखते रहिए। पहुंच गए तिनसुकिया, कहा कि वहाँ में गाड़ी लगाने का जगह नहीं ना है, कहीं जगह गाड़ी लगा दिए है, उसके बाद चलते हैं पैदल वंदना में, आप लोग को दिखाएंगे वंदना का सीन, ठीक है वीडियो में बस बने रहिए। जब देख सकते हैं आपको ससुरा हम आए हैं यहाँ, इसका दाम देखेंगे ससुरा 9999 रुपया, 10,000 रुपये की ससुरा, ये कोड जो देख रहे हैं ससुरा 10,000 रुपये का है, हमारा तो दिमाग है एकदम अकबका गया है, ससुरा क्या करे, हम ये ट्रायल रूम में आए पहनने के लिए, बाप रे यहाँ लड़की लोग बहुत है ना, इसलिए वो लोग के सामने वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम ट्रायल रूम में आके बना रहे हैं, बाप रे 10,000 रुपया का ही किनेंगे तो हमको दादा भी का माटी बेचना पड़ेगा, बाप रे सोचना पड़ेगा, अरे बाबा पहले पहन के देख लेते हैं कैसा लगता है, नहीं किनेंगे 10,000 रुपया का, हमारा भाई के लिए है ही, हम ट्राई कर रहे हैं, हम लोग दोनों का साइज एक ही ना है, इसलिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, उसके लिए खरीदना है, तो हम ट्राई करके देख रहे हैं पहन के कैसा लगता है, हमको अच्छा लगेगा तो हम भी ले लेंगे ना, वे से देख रहे हैं, लेकिन 9,000 रुपये का, बाप रे 9,000 रुपये का माल किनने के लिए हमको आधा बीघा माटी बेचना पड़ेगा, अब वीडियो में बने रहिए, हम रेडी होके उसके बाद आपसे बात करते हैं। गाइस देखिए अभी दूसरा वाला ड्रेस है, का कही लड़की लोग का काम ना, वो आई हमारा भाई का कपड़ा देखने के लिए, ससुरा हमको भी पहना के दिखा रही है, पहन लो पहन लो, हम ससुरा हमको अच्छा लग जाएगा तो हमको भी किनना पड़ेगा ना, वो लोग ये धंधा लगा रखे, हम भी किन ले कि दो चार गो शादी निपट जाए, सो गोटा साल किनना ना पड़े कपड़ा, का करे ससुरा दाम तो इतना है ना, का कहे हमारा भाई एगो पहना उसको ठीक ही था, लेकिन ससुरा का दाम बहुत, अब दूसरा चेंज करा रहे हैं, हम देख रहे हैं दूसरा वाला कैसा लगता है कपड़ा, तो आप लोग को दिखा दी देखिए और एक देखिए, वो आगे वाला कपड़ा भी ठीक लगा, ये भी हमको ठीक ही लग रहा है, ये का दाम थोड़ा सस्ता है, वो सोच रहा 10,000 का था, और पहन के देखते हैं कैसा लगता है, और पहन के आप लोग को भी दिखाएंगे। गाय जब हम लोग दोनों भाई ना ड्रेस चेक कर रहे हैं कि इसका कैसा लग रहा है, दोनों एक ही जैसे देख रहे, एक ही जैसे पहन के ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करने में पैसा थोड़ी ना लगता है, जो जो दिखा रहे हैं सब पहन के देख रहे हैं, अब कौन सा चूज करेंगे वो बाद में आप लोग को बताएंगे, आप लोग है ना वीडियो देखिए एकदम बढ़िया से।
हाँ जो भी दूसरा वाला पॉइंट लिए आप बताइए कैसा लग रहा है, कमेंट में ना आप सब बता दीजिएगा ठीक है ना। देखिए कैसा लग रहा है, कहे ना कि चेंज करने में पैसा नहीं ना लग रहा, उस दूसरा जो जो दिखा रहे सब हम ट्राई कर रहे हैं, कैसा लग रहा है बताइए। अच्छा लग रहा है ना, हमको भी ठीक ही लग रहा है, सब ठीक लग रहा है, लेकिन ले नहीं सकते सबका सब, समझे ना, पैसा महंगा है बहुत ज़्यादा वैसे। तो अब इसको खोल के फिर दूसरा पहन के वीडियो में बने रहिएगा। कहे तो हमारा भाई के लिए तो पसंद आ गया कपड़ा, वो ले लिया, और हम सोचते हैं कि ये भी हमको ठीक लग रहा, हम सोच रहे इसको ले ही लेते हैं, क्या करेंगे, लेना नहीं ले, लेना नहीं ले सोच रहे हैं। अब सोच रहे ससुरा उतना सोचने से नहीं ना होगा, ले ही लेते हैं इसी को, कहें कि पसंद आ गया है ना। आप बताइए भाई कैसा लग रहा है, आप जरूर बताइए कमेंट में ठीक है ना। इसको हम एक्चुअली हम ले ही लेते हैं, छोड़िए ले ही लेते हैं, छोड़ ले ही लेते हैं, ये जो पॉइंट है ना अब इसको पहनेंगे, अब इसको पाइट पॉइंट के देखते हैं। आप अभी टेलर आने ही है, अभी टेलर को बुलाए हैं, टेलर आएगा नापेगा उपेगा एकदम बढ़िया से फिटिंग करके दे देगा, उसके बाद घर चले जाएंगे, पहले पॉइंट को पहन लेते हैं। वो और लंबा होगा भी नहीं, पकड़ो इसको। गाइस हम लोग यहाँ कपड़ा देखे, बाप रे का कहें आप लोग को, ससुरा इतना ना दाम है कि साला आधा कट्टा मुझे एक घंटे एक बीघा माटी बेच के यहाँ आना पड़ेगा कपड़ा किनने के लिए। ये सोच रहे लोग कौन सा दुकान में लेके आइए, कौन सा दुकान था बंदना, यहाँ एको को लड़की तो नहीं मिली पर लूट लिए हम लोग को। बाप रे, अब आए जूता देखते हैं कैसा कैसा है। बाप रे, यहाँ आए जूता देखने के लिए, लेकिन जूता वाला कुछ दिख ही नहीं रहा, कहाँ जूता है वहाँ में जूता, चलो चलते हैं जूता देखने के लिए। भीतर आ गए हैं जूता वाला शोरूम में, ये देख सकते हैं ये जूता वाला शोरूम, पर यहाँ जूता नहीं है, कहाँ है अब देखते हैं। बाबा नहीं होगा ससुरा, यहाँ जूता कितना ना दाम है कि क्या करे ससुरा, लगता है कि आधा कट्टा और बेच के आना पड़ेगा जूता लेने के लिए, 4,000-5,000 रुपये जूता का दाम पड़ रहा है। चप्पल ही पहन के हम तो जाएंगे भाई शादी में, हम तो चप्पल पहन के चले जाएंगे अपनी शादी करने के लिए, एंगेजमेंट करने के लिए। ये ससुरा इसके लिए कपड़ा लेने आए थे और ससुरा हमको भी लेना पड़ गया, ये सब हुआ इन लोग का वजह से, इन लोगों ने हमको पूरा बर्बाद करके रख दिया है। और एक कहाँ चली गई, रुको सब इन लोग का वजह से आए थे इसका कपड़ा लेने के लिए, लेकिन हमको भी दिलवा दिए कपड़ा, मतलब ये लड़की लोग का चक्कर में कभी मत पड़िएगा, ये लोग बर्बाद कर देती है एकदम से, बर्बाद कर दिए लोग हमको। गाज बाप रे, इन लोगों ने तो पूरा बर्बादे कर दिया हम लोग को, पूरा 17,000 रुपया दे के आए हम लोग वहाँ में, अब क्या करेंगे। अब ससुरा का जूता भी किनना बाकी है, इसका जूता खरीदना बाकी है। बाप रे, वहाँ जूता खरीदेंगे तो आधा भी कमाटी बेचना पड़ता रहा, तो तुमको जूता अभी खरीदना है, अभी चाहिए कौन है जूता, चलिए चलकर देखते हैं जूता कौन रुपया मिलता है, सस्ता मस्ता चप्पल किनने से नहीं होगा। बाप रे, इसको जूता ही चाहिए, चप्पल नहीं होगा, तो चलिए जूता दुकान में चलकर देखते हैं कौन जूता होता है क्या।